दोस्तों राकेश रंजन जी द्वारा बनाया गया ये कार्टून है। रिसेंटली 6 स्टेट्स में जो फ्लड्स आए हुए हैं, जो पानी से भरे हुए हैं स्टेट्स, उन स्टेट्स को लेकर मीडिया का क्या रोल है, इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कार्टूनिस्ट राकेश रंजन साहब। अब पहले यहाँ पर देखिए, दिल्ली फ्लड है, पूरे कैमरेज वहाँ पर लगे हुए हैं, पूरा मीडिया कवरेज है और उस पर डिबेट्स भी है कि कैसे केजरीवाल दिल्ली को बचाने में फेल हुए पानी से। अब दूसरा यहाँ पर पिक्चर देखिए, हरियाणा फ्लड, कोई भी मीडिया कवरेज वहाँ पर नहीं है, ना कोई डिबेट हो रहा है, ना हरियाणा की बीजेपी सरकार से कोई सवाल हो रहा है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो विपक्ष सरकार है उससे लगातार सवाल हो रहे हैं। तीसरा यहाँ पर देखिए, राजस्थान फ्लड, जो विपक्षी सरकार जहाँ पर है अशोक गहलोत जी की, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पूरा मीडिया कवरेज वहाँ पर हो रहा है, उस सरकार को विलन बनाया जा रहा है, डिबेट्स पे डिबेट उस बारे में हो रहे हैं। चौथा गुजरात फ्लड है, पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है, कोई भी मीडिया कवरेज वहाँ पे नहीं है। पांचवा हिमाचल फ्लड है, वहाँ पर पूरा कवरेज है क्योंकि वहाँ बीजेपी सरकार नहीं है, विपक्षी सरकार है। और छठा यहाँ पर यूपी का फ्लड है, जहाँ पर कोई भी मीडिया कवरेज नहीं है, ना कोई डिबेट हो रही है, ना योगी जी से कोई सवाल हो रहा है। कल ही मैंने आपको दिखाया था गुजरात फ्लड्स के बारे में, अभी यूपी के फ्लड्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, लगातार लोग वहाँ पे परेशान लग रहे हैं पानी से, लेकिन यूपी के योगी जी से सवाल करने वाला मीडिया कोई भी नहीं है अंकर। तो मीडिया के इस रोल को अच्छे से समझाया है यहाँ पर कार्टूनिस्ट राकेश रंजन जी ने, कि किस तरह से सिर्फ विपक्षी पार्टियों के राज्यों में जहाँ पर पानी आया हुआ है उस पर ही सवाल करके, डिबेट्स करके विपक्षी पार्टियों को विलन और फेल साबित किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहाँ पर पानी आया हुआ है वो खबरें जो है पूरी तरह से छुपा दी जा रही है। चाटुकारिता होती है चाटुकारिता। दोस्तों जिस कदर फिलहाल की सिचुएशन में मीडिया सरकार की हेल्प कर रहा है, सरकार इतनी स्ट्रांग हो चुकी है और विपक्षी पार्टियां इस मीडिया की वजह से जनता की नज़र में इतनी बड़ी विलन बन चुकी है कि इलेक्शन में बीजेपी के को टक्कर देने वाली दूर दूर तक भी कोई विपक्षी पार्टी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी इतनी बड़ी विलन बन चुकी है जनता की नज़रों में, क्योंकि ऐसा इमेज जो है वो बना दिया है गोदी मीडिया ने विपक्षी पार्टियों का, कि विपक्षी पार्टी हर मुद्दे पर फेल है और सरकार हर मुद्दे पर पास है। तो इस मीडिया के चलते, इस मीडिया के पावर से, इस मीडिया की स्ट्रेंथ से मुझे नहीं लगता कि कोई भी विपक्षी पार्टी आसपास भी जा पाएगी बीजेपी को इलेक्शन में हराने के लिए। दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिशन मुझे तो नज़र नहीं आ रहा बीजेपी का लोकसभा 2024 के इलेक्शंस में। तो मेरे हिसाब से जब तक ये विपक्षी पार्टियां इस मीडिया को एक्सपोज नहीं कर देती, इस मीडिया का असली चेहरा जनता तक सामने नहीं ला देती विपक्षी पार्टियां, तब तक मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कंपटीशन देना भी इनके लिए पॉसिबल है। कैसे हो सकता है, ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। भले ही सड़कों पर महंगाई को लेकर कितना भी विरोध प्रदर्शन कर ले विपक्षी पार्टियां, मीडिया तो उनको नहीं दिखाती, लेकिन अगर उस प्रदर्शन में कोई भड़काव नारे दे गया तो उस मुद्दे को लेकर फिर डिबेट चलते हैं विपक्षी पार्टी को विलन बनाने के लिए, विपक्षी पार्टी को पाकिस्तान प्रेमी साबित करने के लिए। लेकिन जब वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं महंगाई के खिलाफ तो उस प्रदर्शन को नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अगर महंगाई के मुद्दे को दिखाया गया या डिबेट चलाया गया तो ये बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए मीडिया इस पर काम नहीं करेगी। तो विपक्षी पार्टियाँ चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, उनकी जो मेहनत है वो लगभग पानी में जा रही है, पता है ना आप सबको। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स जो है वो जनता को समझाते हुए ही आए हैं कई दिनों से, कि विपक्षी पार्टियों की असल मायने में लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है बल्कि मीडिया से है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो विपक्षी पार्टियों को पहले मीडिया से लड़कर उनसे जीतना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सरकार को कंपटीशन दे पाएंगे, क्योंकि मीडिया जो है वो सरकार को पूरी तरह से एक ढाल बनके, एक दीवार बनके प्रोटेक्शन दे रही है, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोटेक्शन देती है वैसे ही प्रोटेक्शन दे रही है ये गोदी मीडिया सरकार को। तो अब देखना है विपक्षी पार्टियां क्या कर पाती है इस गोदी मीडिया के खिलाफ। थैंक यू सो मच गाइस।
चाटुकारिता होती है चाटुकारिता।